जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर नेस्लो में। तो दोस्तों, मैं आपके लिए हाजिर हूँ एक और नई जानकारी के साथ। ग्रुप डी पदों पर यहाँ निकलेंगे 38,000 भर्तियाँ। इन पोस्ट के लिए नहीं होगी कोई भी शैक्षणिक योग्यता। जी हाँ, लाइव हिंदुस्तान समाचार पत्र का आज का 11:02 का ये अपडेट, आप यहाँ पर तारीख देख सकते हैं। तो ये वैकेंसी कहाँ होंगी दोस्तों, बनिए रहिए पूरे वीडियो में मेरे साथ ये वैकेंसीज के बारे में। तो ये वैकेंसीज हैं ग्रुप डी रिक्रूटमेंट, यानी कि हरियाणा में ये वैकेंसी होंगी। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही ग्रुप डी के 38,000 पदों पर ये वैकेंसी करने वाला है। इस भर्ती में विशेष रूप से गरीब समाज के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। ये बात सीएम ने तब कही जब बुधवार को चंडीगढ़ में अपने आवास पर प्रदेश भर से आए वाल्मीकि समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है कि सफाई कर्मी व चौकीदार के लिए कोई शैक्षणिक शर्त नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने निर्णय लिया कि भविष्य में सफाई कर्मी और चौकीदार के लिए शैक्षणिक शर्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि 11 जिलों में समाज के युवाओं को अच्छी शिक्षा के लिए हॉस्टल का निर्माण, 7 जिलों में अंत्योदय सेवा केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे। इसके बाद अंत्योदय सेवा केंद्र सभी जिलों में खोलते उपमंडल स्तर पर शुरू करने की योजना है। जी हाँ दोस्तों, ये 38,000 जो वैकेंसीज होंगी जिनमें कोई भी शैक्षणिक योग्यता नहीं रखी जाएगी। ग्रुप डी के रिक्रूटमेंट है जिनमें सफाई कर्मी और चौकीदार की पोस्टें आएंगी। 12 तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजें पदों का आग्रह। तो हरियाणा सरकार ने सभी विभागों, उपायुक्तों, आयुक्तों, बोर्डों और निगमों को ग्रुप डी के पदों की नए सिरे से मांग 12 अप्रैल तक सीधे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSC को भेजने का आग्रह किया है। इस संदर्भ में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, हिसार, रोहतक, गुड़गांव, करनाल और फरीदाबाद मंडल के आयुक्तों, उपायुक्तों, बोर्डों और निगम के प्रबंध निदेशकों को पत्र भेजा गया है। जी हाँ दोस्तों, ये 38,000 के लगभग जो वैकेंसीज हैं, ये हरियाणा सरकार जल्द ही इन पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा। इनके लिए कोई भी शैक्षणिक योग्यता नहीं रखी जाएगी। सबसे गौर करने वाली बात, तो ये जल्द ही वैकेंसीज आपके सामने, सरकारी जो नौकरी की चाह जो युवा रखते हैं उनके लिए बड़ी खबर। तो दोस्तों, हरियाणा सरकार की ये योजना, तो कैसा लगा दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों,